कि क्या कारण है कि अभी बाबा रामदेव ने जो अपने महापुरुषों के लिए इतना अपशब्द का इस्तेमाल किया है, क्या बाबा रामदेव को ये पता नहीं है कि जो महापुरुष हैं इनके वंशज और इनके अनुयायी जो है बहुत अधिक हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं कि उसका नाम रामदेव नहीं हरामदेव है, क्योंकि उसको हराम का पच गया है, अब उससे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। हराम का जो माल वो खा रहा था आदिवासी मूल निवासियों के द्वारा, क्योंकि उसके प्रोडक्ट आदिवासी और मूल निवासी ही खरीदते हैं, उसी से उसकी दुकान भी चल रही थी। आज उन्होंने उसी पर वार किया है जिसने जो उसका पेट पालते थे, चलाते थे, जो उसकी वो जो दुकान थी वो चलती थी। गोबर और मूत्र पीकर उसका दिमाग इतना सड़ चुका है कि उसके मुंह से बदबू निकलनी शुरू हो गई है, और वो बदबू मूल निवासियों के लिए जो अपशब्द निकाल रहा है उसके द्वारा निकल रही है। उसने कहा है कि मूल निवासी और आदिवासी और पेरियर स्वामी अंबेडकरवादी ये सब आतंकवादी, हम लोगों को उसने आतंकवादी का नाम दिया। तो मैं उसको एक बात बता देना चाहती हूँ कि वो भी यहाँ का मूल निवासी है, क्योंकि ओबीसी समाज से है तो वो भी मूल निवासी, तो उसका मतलब वो भी आतंकवादी है। और उसको ये मैं बता देना चाहती हूँ, अगर वो हमें आतंकवादी समझता है तो सबसे पहले आतंकवादी वो है। उसके आज FIR दर्ज कराने के लिए हम आए हैं, जो उसने हमारे हमें कहा तो कहा, वो हम एक बार को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने महापुरुषों के लिए एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने पेरियर स्वामी जी के लिए आतंकवादी का नाम दिया है, और आज उसको आज हम यहाँ FIR दर्ज कराने आए हैं। और अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर, क्योंकि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं और आज संविधान के दायरे में रहकर हम यहाँ पर FIR दर्ज कराने आए हैं, और अगर पुलिस प्रशासन आगे कार्रवाई नहीं करती है तो हमें खुद अपना उससे न्याय लेना आता है, उससे बदला लेना आता है, जिसको बदला कहते हैं उसको बता देंगे कि हम अब वो मूल निवासी नहीं रहे जब गुलाम हुआ करते थे, आज हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान पढ़ चुके हैं और इस देश में उतनी ही समानता के अनुसार रहते हैं जितना समानता उनको है अधिकार यहाँ रहने का, उतना ही अधिकार हम लोगों को यहाँ इस देश में रहने का। तो उसको हम आतंकवादी क्या होते हैं उनको ये बता देंगे। जिस तरीके से उसने ये शब्द कहा है और जो आज उसे देश के अंदर विदेशों में जो इज्जत मिल रही है वो भी बाबा साहब के संविधान के तहत मिल रही है, ये बात वो भूल चुका है। इसलिए मैं हम मूल निवासी लोग उसको याद दिला देने चाहते हैं, जो गोबर से उसका दिमाग सड़ गया है वो गोबर उसका बाहर निकालने के लिए आज हम यहाँ FIR दर्ज कराने आए हैं। और जब उसका गोबर बाहर निकलेगा दिमाग से तब उसको समझ में आएगा कि आज जो वो इतना बोल रहा है, आज जो बोलने की ताकत उसके मुंह के अंदर आई है वो संविधान के वजह से आई है, जो जिनको वो आतंकवादी बोल रहा है। ऐसा नहीं लगता कि बार बार इस तरीके के ये टोन्स कसे जाते हैं और बहुजन समाज को और देखना चाहते हैं कि भाई इनकी कैपेसिटी क्या है? बिल्कुल, ये सोची समझी साजिश है RSS बीजेपी द्वारा, मनुवादी पार्टियों द्वारा। वो ये देखना चाहते हैं कि ये लोग कितने मरे हुए लोग हैं और कितने लोग जगे हुए हैं, ये देखना चाहते हैं बार बार ऐसे ऐसी टिप्पणियां करवा कर। तो अब इनको हम भी सबक सिखा देंगे और इनको बता देंगे कि मरे नहीं है, जिंदा है, संविधान पढ़ लिया है, पढ़ चुके हैं हम लोग, तो उस वजह से हम लोग जिंदा है और अपना अधिकार और हक अधिकार और किसी को गलत टिप्पणी का जवाब देना जानते हैं। पूनम जी, आज यहाँ पर आप थाना संसद मार्ग नई दिल्ली पे आए, यहाँ आने का क्या कारण है आपका? उस हराम देव के खिलाफ यहाँ पर हम FIR दर्ज कराने आए हैं। या तो वो पूरे समाज से माफी मांगेगा, जिस तरीके से उसने सबके सामने हमें आतंकवादी कहा है, उसी समाज के सामने वो माफी मांगेगा। और माफी मांगने के बाद यहाँ पुलिस अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो हम आगे खुद कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से बाबा रामदेव को एक तरह से शुरू में वो योग गुरु के नाम से जाने जाते थे, क्या लगता है कि बीजेपी उन्हें पॉलिटिकल एक रूप देना चाहती है, एक तरह से ये फेमस करने का तरीका तो नहीं दिखता है? देखिए, फेमस करने का तरीका हो सकता है, ये हमें नहीं मालूम कि वो फेमस होना चाहता है या नहीं होना चाहता है। बस हमें ये मालूम है उसने हमें आतंकवादी कहा है, हमें किसी से कुछ लेना देना है, वो अपनी दुकान चलाता है, क्या चलाता है, उसके प्रोडक्ट हम इस्तेमाल नहीं करते, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज उसने हम मूल निवासियों को छेड़ा है, आदिवासियों को छेड़ा है, तो उसको सबक तो हम सिखाएंगे। और आड़े तिरछे पैर करने से कोई योग गुरु नहीं हो जाता। क्या लगता है कि बाबा रामदेव को जेल होगी? पूरी कोशिश रहेगी उसको जेल पहुंचाने की। एक तो वो मूल निवासी है, ऊपर से ओबीसी है, तो पहले तो हम उसको चेतावनी देते हैं कि या तो जो उसने हमारे लिए शब्द कहे हैं उसके पूरे समाज के सामने जिस तरीके से उसने हमारे लिए अपशब्द कहे हैं वो वहाँ पर माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगता है तो पूरे देश में आंदोलन तो होगा उसके खिलाफ। पूनम जी, जिस तरीके से एक बार और रामदेव ने हरकत की थी और रामलीला मैदान से वो सलवार पहन के भागे थे,
बिल्कुल अगली बार तो हम उसे सलवार पहनने का भी मौका नहीं देंगे, सलवार भी नहीं पहनेगा, नंगा ही भागेगा वहाँ से। मैडम उसके जो प्रोडक्ट है पतंजलि के, तो बहुजनों को उसका वो कर देना। बिल्कुल, बहुजनों से मेरी अपील है कि जितने भी लोग ये पतंजलि या काढ़ा, इस काढ़े के जो प्रोडक्ट है वो आप इस्तेमाल करते हैं, उनका बहिष्कार कर दीजिए। जितने भी घरों में प्रोडक्ट है उनको बाहर फेंक दीजिए सड़कों पे, पता चल जाएगा कि इसकी जो दुकान है वो किनके जरिए चल रही है। तो ये रामदेव नहीं लाला देव तो नहीं है कहीं? बिल्कुल लाला देव ही है, क्योंकि ये लालची स्वार्थी अगर ये देश का भला करना चाहता है और अच्छे प्रोडक्ट बनाता तो फ्री में क्यों नहीं देता, पैसे क्यों लेता है? या फिर उनकी कॉस्ट इतनी कम क्यों नहीं रखता कि हर कोई खरीद ले? इतनी हाई फाई कॉस्ट रहती है उसकी, यानी कि वो बनिया 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 समाज से रिलेटेड है, वो लाला बना हुआ है। पैसों बनिया लोग चोर होते हैं, बनिया लोग चोर होते हैं, समझे ना? बिल्कुल, वो अपना स्वार्थ सीधा कर रहा है, वो अपने पैसे कमाने का जरिया बनाया हुआ है प्रोडक्ट तैयार करके, फ्री क्यों नहीं करता उन प्रोडक्टों को, इतनी कॉस्ट क्यों नहीं रखता उसके कि जिससे सब खरीद ले? वो इस देश में सिर्फ पैसा कमा रहा है।